गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे। शायद आप लोगों ने अपनी कॉपी में 8 लाइन की पोयम और उसके नीचे शब्दार्थ लिख करके याद कर लिए होंगे, फिर जस्ट उसी के नीचे आप प्रश्न उत्तर डालेंगे। पार्ट एक का प्रश्न उत्तर काम हमारे बड़े बड़े। प्रश्न नंबर एक देखें, बच्चे और उनके काम कैसे हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं और उनके काम बड़े बड़े हैं। प्रश्न नंबर दो देखें, भरत के रूप में बच्चों ने क्या किया था। भरत के रूप में बच्चों ने शेरों के दांत गिने थे। प्रश्न नंबर तीन देखें, आजादी के महायुद्ध में बच्चे कहाँ थे। प्रश्न नंबर चार देखें, जनगण मन का आशीष पाने के लिए जनगण मन का आशीष बच्चे हाथी पर चढ़े लेते हैं। एक बार पुनः फिर क्वेश्चन आंसर देख लें, बच्चे और उनके काम कैसे हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं और उनके काम बड़े बड़े। प्रश्न नंबर दो, भरत के रूप में बच्चों ने शेरों के दांत गिने थे। आज प्रश्न नंबर तीन देखें, आजादी के महायुद्ध में बच्चे कहाँ थे। आजादी के महायुद्ध में बच्चे सबसे आगे थे। जनगण मन का आशीष बच्चे कैसे लेते हैं। उत्तर देखें, जनगण मन का आशीष बच्चे हाथी पर चढ़े लेते हैं। जनगण मन का आशीष बच्चे हाथी पर चढ़े लेते हैं। तो आपको आपके सारे क्वेश्चन आंसर ये हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने चारों लिखवा दिया। शायद आप लोग आराम से इसे लिख लेंगे और देखेंगे भरत के रूप में बच्चों ने, इसमें एक कहानी है, राजा दुष्यंत, शकुंतला का नाम आप लोग कहानी में सुने होंगे ना, उन्हीं का बेटा भरत जो शेरों का दांत गिना था, जंगल में विचरते हुए उन्होंने शेर के बच्चे को पकड़कर उनके दांत गिने थे, जिससे अपने उन्हीं भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। ठीक, और आप लोग इन सबको लिख करके अच्छे से खूब अच्छी सुंदर लिखावट में लिखेंगे। आपको होमवर्क देखिए क्या है, SW है, CW प्रश्न उत्तर लिखकर याद करना, अपना काम सारा कंप्लीट करते जाएंगे। ओके।
ओके।